तो अभी आता है डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम। द लॉ स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब क्या, ए प्लस बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, सम का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो सेकंड डी मॉर्गन थ्योरम है वो ये बताता है कि ए प्लस बी, अगर कोई हमारे पास ये है इनपुट्स है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले तो हमें मिलता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोडक्ट मिलता है, एडिशन इज बिकम प्रोडक्ट। तो ये होता है। तो उसका हम सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग लॉजिक गेट्स के डायग्राम बना देंगे, स्ट्रक्चर जो उनके ये है, आउटपुट लॉजिक सर्किट बना देंगे। तो लॉजिक सर्किट क्या बनता है वो देखते हैं। तो ए प्लस बी चाहिए, सबसे पहले हमें इनपुट क्या लगेगा, ए बी लगेगा दोनों केस में, तो एक इनपुट और बी कम इनपुट दोनों ऐड हुए तो हमें कौन सा गेट लगाना पड़ेगा, और गेट। तो सबसे पहले हम ए लेते हैं, एक इनपुट बी इनपुट दोनों ऐड हुए, हम ए और बी आया, सबसे पहले ए और बी आया, उसके बाद ऐड हुए मतलब और गेट, तो ये लगाया हमने और गेट। अब यहाँ पे जो क्या हुआ, ए प्लस बी हो गया, अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट गेट लगाना पड़ेगा जिसके कारण हमें कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। तो हमने अभी एक लगा दिया नॉट गेट, तो अभी हमें मिला ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, मतलब इक्वेलेंट टू, लॉजिक सर्किट इज इक्वेलेंट टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमें इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हमें ए लेना पड़ेगा और एक बी लेना पड़ेगा, उनको कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो ए गया नॉट गेट से, कॉम्प्लीमेंट बन गया ए कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह बी भी गया नॉट गेट से, बन गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट किस केस में लगता है, एंड गेट में लगता है, तो ये गया एंड गेट में, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, जो इनपुट्स आए, इनपुट्स क्या क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट है, जो भी इनपुट्स आए उनका प्रोडक्ट चाहिए, तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया इक्विवेलेंट लॉजिक सर्किट। अभी हम उसको प्रूफ करेंगे ट्रुथ टेबल से। तो सबसे पहले हम लिखते थे इनपुट्स क्या क्या आए, इनपुट्स क्या था, इस केस में इनपुट ए बी गया और इस केस में भी इनपुट ए बी गया, तो ये आया इनपुट ए और बी, ए की वैल्यू 0 0 या तो 0 1, 1 0 या फिर 1 1। अब इंटरमीडिएट लेंगे हम, इंटरमीडिएट इस केस में इंटरमीडिएट है ए प्लस बी और इस केस में इंटरमीडिएट है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए प्लस बी इंटरमीडिएट और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आया आउटपुट्स, इस केस में जो आउटपुट्स आया वो आया ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और इस केस में जो आउटपुट आया ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब क्या, इसका लॉजिक गेट मतलब जो आएगा लॉजिक ट्रुथ टेबल आएगा और इसका ट्रुथ टेबल दोनों सेम आने चाहिए, तभी ये लॉजिकली इक्विवेलेंट सर्किट होगा और ये थ्योरम प्रूफ भी हो जाएगा बाय ट्रुथ टेबल। तो हमने जैसे कि इनपुट्स के हमने लिख दिया लॉजिक क्या क्या थे, अभी हम देखेंगे ए प्लस बी इंटरमीडिएट की वैल्यू, ए प्लस बी 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 1 0 0, बी कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0, बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमें चाहिए ए प्लस बी फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए प्लस बी हमारा 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अभी ए डॉट बी इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, 1 into 1 1, 1 into 0 0, 0 into 1 0, 0 into 0 0। आप देख सकते हैं इसका ट्रुथ टेबल जो कि आउटपुट है और इसका ट्रुथ टेबल ए डॉट बी जो इसका आउटपुट है, तो दोनों टोटली सेम आ रहे हैं, मतलब ये प्रूफ हो गया बाय ट्रुथ टेबल। हैंस वी प्रूव्ड ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट।